सूरत में हमारा कैंप चल रहा था 1993-94 में, पहली बार मैंने कैंप लगाए थे वहाँ, और उसके बाद फिर लगातार यात्रा चलती रही। सूरत के बाद पूरे देश में योग शिविर चले, लाखों करोड़ों लोगों ने फिर उसमें धीरे धीरे भागीदारी की, योग का एक पूरा जन आंदोलन देश में खड़ा हो गया। सूरत में जब हम थे तब एक भाई वहाँ बवासीर की दवाई देते थे, हमने पता किया कि भाई देते क्या। अब वो कुछ मंत्र पढ़ें, लोगों को बता के ना दें, और कुछ ऐसे एक दो चीनी के दाने उसमें डाल दें दूध में और कहें कि दूध पी लो ठीक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने बहुत चेष्टा करके पता लगाया कि ये जो एक कप दूध पिलाते हैं उसमें नींबू निचोड़ के पिलाते हैं। वो नींबू का प्रयोग हमने बताया और लाखों लोगों की बवासीर ठीक की। मैं पहले शिविर में पूछता था भाई कितने लोगों ने नींबू पिया और उससे बवासीर ठीक होगी, तो सैकड़ों हाथ उठते थे कि स्वामी जी 3 दिन पिया। 3 से मैं कहता हूं मैक्सिमम 7 दिन। खाली पेट एक कप दूध में नींबू निचोड़ करके, अब इसमें मैंने तो ठंडे दूध में पिलाया, पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना दूध हो तो जो जिसको अनुकूलता हो वह दोनों करके देख लेना। तो हमने तो ऐसा देखा कि या तो धारुष्ण दूध हो, गाय का दूध, या गर्म करके थाली में डाल दो दूध और पंखा चला दो, ठंडा हो जाता है। अभी तो वैसे ही ठंडा है सर्दियों में, तो थाली में डालो ठंडा हो जाता है। तो एक कप दूध में एक नींबू निचोड़ा और तुरंत पी गए खाली पेट, 3 से 7 दिन में बवासीर ठीक हो जाती 100%। एक नागदोन, एक पौधा होता है यहाँ पर भी, अभी तो नहीं खड़ा हुआ, नहीं सब जगह रहता है, उसमें दूध निकलता है थोड़ा, आपका परिचय करवा देंगे, नागदोन दिखा देंगे। 3 से 7 पत्ते, 3, 5, 7 पत्ते उसके खाली, 3 दिन में बवासीर ठीक, पहले दिन से ब्लीडिंग बंद। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब मेरा एक सहपाठी था सत्यदेव जी, तो उन्होंने भी ये प्रयोग हजारों लोगों को करवाया, फिर मैंने अपने शिविरों में बताया देसी कपूर। देखो एक तो केमिकल वाला कपूर होता है, एक देसी कपूर जो औषधि के काम आता है, क्योंकि केमिकल वाला तो कपूर 50 रुपये किलो आता है और जो प्योर कपूर होता है वो तो 500 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए हमने पतंजलि पूजा सामग्री में प्योर कपूर भी आपको उपलब्ध करवाया। खैर, जिसको देसी कपूर बोलते हैं, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, उसका लगभग 2 चने के बराबर, छोटे बच्चों को तकलीफ है तो एक नहीं तो 2 चने के बराबर केले में डाल करके, मैंने अपने हाथों से खिलाया लोगों को, केले को काटा और उसके अंदर एक छोटा गड्ढा बना लिया, केले का इतना सा टुकड़ा ले लिया एक तरफ से, जैसे केला छीलते हैं तो एक तरफ थोड़ा पहना होता तो दूसरी तरफ से उसमें गड्ढा किया और उसमें ये कपूर भर करके और उसको निगल, मैंने जीभ को नहीं लगाते थे, केले में कपूर देते थे। 3 दिन में मैक्सिमम लोगों की बवासीर की समस्या दूर हो जाती थी।